हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहनाज अपडेट्स। सो गाइस, इश्क में मर जाऊँ सीज़न 3 से रिलेटेड मुझे कुछ अपडेट्स मिले हैं। सो या आज की इस लाइव में मैं आप लोग साथ शेयर करूँगी वो सब अपडेट्स। सो या इस लाइव के एंड तक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बने रहोगे इस लाइव के एंड तक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, ये आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ वीडियो। सो गाइस, इश्क में मर जाऊँ सीज़न 3 में क्या सेम कास्ट रहेंगे, मतलब रियाश जोड़ी क्या रहेंगे, और जो बात आती है मतलब एंट्री कब तक आएगा, इसका भी जो है पूरा अपडेट आ चुका है कब तक आएगा। ममता मैम ने खुद ही कंफर्म किया है ट्विटर पे। सो या गाइस, पूरी खबर क्या है आज की इस वीडियो में आप लोग बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ वीडियो। सो गाइस, ममता मैम जो है ट्विटर पे ट्वीट हुई, यस गाइस, ममता मैम को मतलब ट्विटर में ट्वीट किया गया, ममता मैम ने ट्विटर पे ट्वीट किया। एक चैनल है ट्विटर पे, सो गोसिप टीवी ऑफिशियल चैनल ने उनसे पूछा क्या इश्क में मर जाऊँ सीज़न 3 आएगा, या फिर आएगा तो कब, आखिर कब तक आएगा, ऐसा उनसे पूछा गया ममता मैम से। सो ममता मैम ने रिप्लाई भी दिया। सो उन्होंने रिप्लाई दिया कि हाँ, मैं इश्क में मर जाऊँ सीज़न 3 को लाऊंगी, थोड़ा टाइम मुझे लगेगा क्योंकि मुझे मेकर्स, राइटर्स और भी बहुत सारे मतलब जो आप लोग प्रोड्यूसर्स ऐसे मुझे ढूंढने पड़ेंगे, जो जिस मतलब मेकर्स प्रोड्यूसर सबका जो मोस्ट पॉपुलर शो, उन लोग को ममता मैम को जो है ढूंढना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा ताकि मेरे जो इश्क में मैं जहाँ सीज़न 3 जब मैं लॉन्च करूँ उसकी भी पॉपुलरिटी उतनी ही हो जितनी इश्क में मैं जहाँ सीज़न 2 की थी। वो उन्होंने ये कहा है, ममता मैम ने ये ट्विटर पे ट्वीट किया है। ममता मैम ट्विटर पे ट्वीट हुई थी, ट्वीट किया गया था उनको, और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि यही कहा है, और उन्होंने और भी कुछ बहुत सारे कुछ कहे हैं। सो या इस लाइफ में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। सो या इस लाइफ के एंड तक बनेगा। सो गाइस, उन्होंने और कहा कि इश्क में मैं जहाँ सीज़न 3 को तो मैं लाऊंगी, बट मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और फैंस को थोड़ा जो है इंतज़ार करना पड़ेगा इतना जल्दी। और गाइस, मैं आप लोगों को कन्फर्मली तो नहीं कह सकती, बट मैं मतलब श्योर नहीं हूँ, कन्फर्म नहीं हूँ 100%, बट 50% 99% जो लगता है कि इश्क में मजा सीज़न 3 जो है वो वन या नहीं गाइस, सो 4-5 to 6 मंथ में आ सकता है, या फिर एक साल भी लग सकता है, 1 ईयर भी लग सकता है। सो अभी मैं जो आप लोगों को कह रही हूँ ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बट ऐसा जो है थोड़ा थोड़ा न्यूज़ आ रहा है। सो अब अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। सो ममता मैम ने ये भी कहा है कि वो राहेल को रख भी सकती हैं, वो राहेल को विदाउट राहेल नहीं रखेंगे, मतलब विदाउट यांश के, तो उनका जो शो अगर वो लॉन्च करेंगी विदाउट यांश के, मतलब उस शो में अगर यांश ही नहीं रहेगा तो फैंस जो है नहीं देख पाएंगे, सो फैंस उतना पसंद नहीं करेंगे, शो जो है ज़्यादा दिन नहीं टिके रहेगा टीवी पे, जल्दी ऑफेयर हो जाएगा 2-3 महीने में। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग का इश्क में मजा सीज़न 3, हम लोग इतना डिमांड है, फैंस का डिमांड है कि रियांश शोरी को जो है रखा जाए इश्क में मजा सीज़न 3 में, लाया जाए उनको वंश और रिद्मा की कहानी फिर से एक नया मोड में लाया जाए, और कबीर को भी लाया जाए, ये भी अभी डिमांड चल रहा है ट्विटर पे, अभी ट्वीट तो कबीर क्रेडिट नहीं हो रहा है, तभी भी ये डिमांड है कि फैंस का ये डिमांड है कि राहेल को मतलब रियांश शोरी को इश्क में मर जाऊँ सीज़न 3 में लाया जाए। सो ममता मैम जो है अब उनको जो है समझ में आ चुका है कि फैंस जो है चाहते हैं रियांश को ही, मतलब राहुल दे और हेली शाही जैसे कि उस शो में डेकोरेट करें, उस शो को आगे बढ़ाएं, मोस्ट पॉपुलर शो बनाएं। सो ममता मैम को ये समझ में आ चुका है। सो गाइस, अब आप लोगों को क्या करना है ना, ट्रेंड करना है, जिस दिन ट्रेंड होता है आप लोगों को जो है ट्रेंड करना है। और गाइस, आप लोगों को पता है कि आइकॉनिक अवार्ड जो होता है उसमें आप लोग कैसे मतलब वोट कर सकते हो, सो उसके रिलेटेड भी मुझे जो है बहुत सारे जो है अपडेट्स मिले हैं, सो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ पर। सो या गाइस, जुड़े रहिए चैनल पर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो अच्छा लगा होगा, आई होप आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ जो मैंने बताया है आप लोगों को अच्छा लगा होगा सुनने में, आई होप आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो या गाइस, मुझे आइकॉनिक वोट जो होता है राहुल सुधीर हेलिशा इश्क में मर जाऊँ सीज़न 2 रियांश रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड भी मुझे बहुत सारे जो है अपडेट्स मिले हैं, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, सो मुझे सब कुछ मिला है। सो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और सब अपडेट्स जो है मेरे नेक्स्ट लाइफ में। सो गाइस, अगर कोई अपडेट मिलता है मिलती हूँ आपके साथ, जुड़े रहिए चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।